रामगढ़ पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। उग्रवादी संगठन PLFI के 5 सदस्यों को रामगढ़ पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया गया है। पकड़े गए उग्रवादी बाजीराव महतो उर्फ बाजीराव सिंघम के सक्रिय सदस्य हैं। रामगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामगढ़ के पास के जंगल में जाल बिछाकर 5 नक्सलियों को धर दबोचा। बताते चलें कि 27 फरवरी को रामगढ़ पुलिस ने बाजीराव सिंघम को मार गिराया था। बाजीराव पुलिस के लिए नकेल बना हुआ था, साथ ही साथ PLFI नक्सली संगठन का जोनल कमांडर था, जो रामगढ़ पुलिस के लिए परेशानी का कारण बन गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह है कि ये बाजीराम के गिरोह के सदस्य थे और हाल फिलहाल में होने में जो क्लासिक इंजीकॉम कंपनी की गाड़ियों को जलाया गया था उनमें भी इनका योगदान था। साथ ही विगत दिनों में चमारी डेरा में जो बाजीराव के दस्ते के साथ जो मुठभेड़ हुई थी और जिसमें बाजीराम मारा गया था, उसमें एक नई होंडा योगा, ड्रीम योगा गाड़ी बरामद हुई थी, जिस गाड़ी को खरीदने वाला इन्हीं में से एक बिरसा मुंडा है, वो बोकारो के एक शोरूम से खरीदी गई है। साथ ही इन 5 के पास से, उनके पोजीशन से 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं और 5 गोलियां तथा 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। घटना में जो 5वां सदस्य उदय राम, उसने स्वीकार किया है वो भाड़े पर बुलेरो उपलब्ध कराया करता था और क्लासिक इंजीकॉम वाली घटना में भी उसने बुलेरो उपलब्ध कराई थी।